आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमा रब्बानी। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते हैं कितने लोग आए थे, अंग्रेज फौज के 3,000 लोग आए थे। हमेशा दुनिया के जुल्म ने ये बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत जमात के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3,000 की फौज आई और गिरफ्तार किया, और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी जाती थी और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। आज आने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे, बाजार मुस्तफा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है। आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते अंग्रेज। आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा। इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। कहता है आशिक रसूल, फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश यह है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बे जान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।